यार सुन, पेपर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी एक पेपर बाकी है। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कितनी ज़्यादा खुशी हो रही होगी आपको कि बस एक पेपर और ये जो इतना बड़ा टेंशन इतने टाइम से लिया था, कुछ लोगों ने जो 4 महीने से लिया था, कुछ लोगों ने जो 10 महीने से ले रखा है, ये सारे टेंशन बस एक पेपर दूर है और सब ख़त्म हो जाएंगे। बट अभी भी एक पेपर है, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड, कोई भी रेस होता है तो उसमें लास्ट के कुछ मीटर्स सबसे ज़्यादा तेज भागने के लिए होते हैं, ना कि सबसे ज़्यादा धीरे। सिमिलरली इन दिस पेपर यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स दैन यू हैव पुट इन फॉर ऑल दी अदर पेपर्स, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनडायरेक्ट टैक्स का जो पेपर है, GST का जो पेपर है, वो शायद बहुत ज़्यादा ईजी आ सकता है पास्ट पेपर्स को देख करके, या फिर बहुत ज़्यादा टफ भी आ सकता है क्योंकि इंस्टीट्यूट को बहुत टाइम मिला है ये पेपर बनाने के लिए। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक रिस्क। अगर पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आता है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू क्लियर दी पेपर विद दी एग्जेम्पशन, एंड अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है तो कम से कम पास होने के लायक होना चाहिए। एक पेपर आपका रिजल्ट पूरा पलट सकता है। इट मे सो हैपन दैट पेपर इतना टफ आ जाए कि आप सेकेंड ग्रुप का पूरा रिजल्ट चेंज हो जाए आपका। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके सेकेंड ग्रुप के कोई एग्जाम खराब गए हैं जिसके वजह से आपका सेकेंड ग्रुप का रिजल्ट खराब जाता हो, क्या पता आप GST का पेपर इतने अच्छे से लिख लें कि उसमें आपको एग्जेम्पशन आ जाए और वो आपको दोबारा ना देना पड़े। सो इट इज़ ओनली बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू स्टडी राइट नाउ। ड्यूरिंग माई GST पेपर आई हैड मेड दिस मेजर मिस्टेक दैट हम लोग को 1.5 दिन मिला था GST के पेपर के लिए, और मैं इतना ज़्यादा खुश हो रखा था कि एग्जाम ख़त्म होने वाला है कि मैं पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। मैं पूरे टाइम बस यही सोच रहा था कि यार एग्जाम ख़त्म हो जाएगा तो क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, किससे मिलूँगा, किससे बात करूँगा। बट देन गाइस, आई जस्ट वेस्टेड टाइम। मतलब आज अगर DT का पेपर ख़त्म हुआ है, शाम भर मैंने पढ़ाई नहीं की, अगले दिन के दोपहर के 2-3 बजे तक मेरे को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहा हूँ। घर वाले मेरे को ऐसा बोलने लग गए थे कि तू ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गया है क्योंकि तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, पेपर अभी भी एक बचा हुआ है। जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब मैंने करीबन 3-3:30 बजे दोपहर को शुरू किया और मैं रात भर पढ़ा, अगले दिन सुबह के 7 बजे तक पढ़ा, फिर मैं शायद 1-2 घंटे बस सोया और फिर मैं उठ करके पढ़ा। बट इतनी ज़्यादा मैंने प्रेशर, इतना प्रेशर मैंने दिया क्योंकि मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा तो जितनी भी मेहनत मैंने की है पूरे CA फाइनल के लिए, पूरे GST के पेपर के लिए, वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। तो ये रियलाइजेशन मेरे को अगर थोड़ा पहले होता तो शायद मैं ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाता। ये मेरी जो गलती थी उसका रिजल्ट, मेरे उसका इम्पैक्ट मेरे पेपर में नहीं दिखा क्योंकि पेपर रिलेटिवली ईजी आ गया, तो जो चीज़ें लोग छोड़ के जाते हैं वो वैसे भी पेपर में नहीं आया, तो मैं बच गया। लेकिन ऐसा शायद इस बार ना हो, इस बार शायद पेपर कोने कोने से सारे सेक्शंस उठा करके आ जाए। यू नेवर नो, यू कैन नॉट रिस्क, यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क, इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग, राइट? सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट अभी टाइम वेस्ट मत करो, शाम से पढ़ाई शुरू कर दो। अगर शाम को पढ़ाई नहीं हो रही है तो आई एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई एम सेइंग दिस, वॉच वीडियो लेक्चर्स, वॉच वॉच सम रिविजन लेक्चर्स। जो कोई टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो GST का अच्छा अच्छा रिविजन लेक्चर्स डालते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिविजन लेक्चर देख लो ताकि आपको वो पढ़ने में कम टाइम लगे। बट डू नॉट वेस्ट योर एग्जाम गाइस, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर GST का पेपर ख़राब जाएगा ना तो उसके बाद एग्जाम ख़त्म होने की खुशी आपको नहीं महसूस होगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि पेपर बहुत ख़राब गया है, विच यू कैन नॉट अफोर्ड। हमको बहुत ज़्यादा खुश होना है तो हम GST का पेपर बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और एग्जेम्पशन की ही कोशिश करेंगे क्योंकि पेपर रिलेटिवली ईजी आ सकता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन दी RTPs एंड MTPs। ऑल राइट गाइज, ऑन दैट नोट, ऑल दी वेरी बेस्ट, डोंट बी डीमोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून टू दिस चैनल। थैंक यू।